कि भाई सब दिखाई सुनाई दे रहा है मेरे बच्चों को एक बढ़िया सा सुंदर सा दिल निकाल के दिखा दीजिए मुझे एवरी बडी आई यू फाइन खाना वाना खा लिया है क्लास नौ बजे होगी कोई टेंशन नहीं आराम से बैठो नौ से दस क्लास लगाओ उसके बाद एक घंटा रिवाइज करो और सो जाओ कल सुबह पांच बजे उठ के पढ़ाई करना डन दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है फटाफट बता दो अगली क्लास अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में यस मुझे यहां से बस दिल दिखाई दे रहे हैं वैसी वाली में हमको चार आंखें चश्मे लगे हुए हैं पढ़ाई क्या तुम लोग क्या बता रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है पर तुम्हें बस इतना बताना पड़ेगा दिखाई दे रहा है या नहीं

बहुत जरूरी है क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन एग्जाम का अगर बाय चांस रिजल्ट जल्दी आ गया कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको बायोटॉनिक फॉर नीट के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू टेक अ लॉट ऑफ लाइव सेशन ऑन द बायोटॉनिक टेलीग्राम ग्रुप सो प्लीज इंश्योर दैट आप इस ग्रुप का पार्ट बन जाए मेरा नाम डॉक्टर वानी है पिछले पंद्रह सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूं बहुत प्यार मिला है रिवॉर्ड अवार्ड तो मिलते रहते हैं दो किताबें लिख दी है वो भी इंडिया के सबसे बड़े पब्लिशिंग हाउस जिसको एम कहा जाता है बट सच में अगर दिल को छूने वाली कोई बहुत बेहतरीन चीज मिली है वो है अनलिमिटेड बच्चों का प्यार उससे बड़ा उससे ज्यादा इमोशनल उससे ज्यादा प्योर और कुछ नहीं हो सकता जो बहुत 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 मिला है यस आई होप आपको बॉटनी के लाइव लेक्चर पसंद आ रहे हैं कल मैं आपके लिए एक बहुत अमेजिंग लेक्चर लेकर आ रही हूं अच्छा ये बताओ कितने बच्चे स्ट्रगल करते हैं नोट बनाने की वजह से बता दीजिए कितने बच्चे यार स्ट्रगल ही करते जा रहे हैं नोट बन ही नहीं रहे हैं बताइए जल्दी मैं यहां पे चैट पढ़ लेती हूं ताकि मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली मतलब कभी किसी कॉपी में नोट बन जाते हैं कभी किसी कॉपी में नोट बन जाते हैं कभी कहीं पे नोट बन जाते हैं यस yes, अच्छा यहां नोट बन गए तो यार समझ ही नहीं आता अच्छा अब यहां पे ये लिखूंगा कई बार एनसीईआरटी पे नोट बन गए अच्छा फिर आगे जगह ट्यूशन टीचर ने कुछ बोला कोई ट्रिक वहां पे लिख गया क्लास टीचर ने कुछ बोला वानी मैम तो आपके जो नोट्स हैं वो सब जगह रायते की तरह फैले हुए हैं और आप भी उसके पीछे पीछे रायते की तरह फैल जाते हैं ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ एक यस मैम लिख दीजिए फटाफट हो रहा है यार मैम आप तो हमारे दिल की बात जान गए मैम आई एम to गिव अ लेक्चर मैंने बहुत रिसोर्च की इनफैक्ट ये मेरे साथ इतना होता था का मैं तो इतना काम करती हूँ इतने सारे कभी टीनीफाई का काम का का, कभी बायोटॉनिक का काम का, कभी विद्यालयों का काम का, कभी मास्टर क्लास का काम कभी घर का काम यस yes, मेरे तो ऐसा मतलब एकदम ऐसे इतना वैसे खिचड़ी फैल जाती है ना रायते के साथ वैसे फैल जाता है पर अब मैंने कुछ ऐसे नोट मेकिंग एप्स ली हैं कुछ आई ओ एस के लिए कुछ विंडोज के लिए कुछ फ्री है कुछ पेड है बहुत अमेजिंग एप्स है उनको मैंने बहुत टेस्ट किया और मैं आपके लिए पाँच ऐसी ऐप्स लाऊंगी सारी फ्री हैं कुछ फीचर्स उनके पेड होते हैं आप वो एप्स डाउनलोड करो और उन्हीं पे अपने नोट्स बनाना शुरू करो दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू बी डूइंग टुमारो अच्छा एक और चीज कितने बच्चे ऐसे जिनके पेरेंट्स उनकी सुनते नहीं है यस yes, आज का मेन चीज ये डू यू वांट मी टू स्टार्ट डूइंग पेरेंट टीचर मीटिंग विद योर पेरेंट्स प्लीज पेरेंट्स सुनते नहीं है पेरेंट्स समझते नहीं है पेरेंट्स की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती डू मैम टू टू टॉक योर पेरेंट्स आई द फर्स्ट टीचर जिसने यूट्यूब पे लाइव पेरेंट टीचर मीटिंग ली थी आज से दो साल पहले वहां मुझे मेरी एक फेवरेट स्टूडेंट आज तक मेरी फेवरेट स्टूडेंट है जन्मी उसकी दादी मिली थी जिनसे मेरी आज तक बात होती है अगर आपको लगता है वानी मैम आपके पेरेंट्स से बात करें उनको कुछ समझाएं एग्जाम के बारे में कुछ बताएं वी शुड डू अ पेरेंट टीचर मीटिंग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा मेन कमेंट सेक्शन पे लिख के दीजिएगा कि हाँ मैम प्लीज पेरेंट ये वाले कमेंट्स में नहीं पढ़ सकती लेक्चर के बाद मेन कॉमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर लिखकर बताइएगा इफ यू वॉन्ट वानी मैम टू डू अ पेरेंट टीचर मीटिंग

हाउस मेड की बेटी को डॉक्टर बनाना है यस yes? डन क्या आप मेरा साथ दोगे जो लोग दो सौ रुपए एक सौ नब्बे रुपए पर मंथ का रिचार्ज में पढ़ सकते हैं बस उनको मेरे को थ्री सिक्सटी और थ्री सिक्सटी लेकर आने ये मेरा इस साल का प्रण है आई नीड योर सपोर्ट मेक श्योर कि हमारे लेक्चर आपके सारे फ्रेंड्स आपके सारे स्कूल आपके सारे कॉलेज में जाएं ये मेरा सपना है मेरा सपना पूरा करने में मेरे को मेरे बायोटोरियंस की मदद चाहिए मुझे मेरे बायोटोनियंस की हेल्प चाहिए तभी इंडिया बढ़ेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे एंड फॉर दैट आई नीड योर लव आई नीड योर सपोर्ट एंड आई नीड योर हेल्प लेक्चर फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आगे बढ़ गया मैं अकेले नहीं कर सकती मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए डू आई हैव योर सपोर्ट पक्का यू हैव माई सपोर्ट आई यू हैव माई डू आई हैव योर सपोर्ट चलिए किंगडम प्लांटी स्टार्ट किया जाए कैन वी स्टार्ट पक्का मिलेगा यस yes. कोई मैंने अपना कोड हटा दिया गाइज मैंने बोला मुझे कोड नहीं चाहिए वेदांत वालों को बोला वानी मैम कोड नहीं चाहिए मुझे कोई कोड नहीं चाहिए नहीं चाहिए ही नहीं मुझे कोड यस प्रो कोड बंद मुझे सिर्फ बच्चों को फ्री में पढ़ाने दो मेरी सैलरी आधी कर दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर मुझे बच्चों को फ्री में पढ़ाना है मुझे इस साल एक वेजिटेबल वेंडर के बच्चे को एम्स भेजना है डन दैट इज माई ड्रीम इंडिया फॉर माइ से फॉर बायोटॉनिक दिसवेज चलिए एनसीआर को स्टार्ट करते हैं इसलिए एनसीआर पढ़ाई जा रही है जिससे एग्जाम में नंबर आएंगे ओके किंगडम प्लांटी में सारे यू कैरियॉर्थ आएंगे प्रोटेस्टा का जो पार्ट बचा हुआ है मैं करवा दूंगी इसका टेस्ट लूंगी मैं मंडे को डोंट मिस दैट ओके डन I know, protozoa, मैं वही बता रही आज ही खत्म कर लेते हैं से पहले मैं प्रोजोवा करवा दूंगी डन वही बोला मैंने exactly वही बोला ये कर लेते हैं क्योंकि हम फ्लो में चल रहे हैं उसके बाद मैं स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ करवा दूंगी ओके किंगडम प्लांटी में पहले सारे यू हैं। देखो मैंने स्लाइड को भी चेंज कर दिया बेटर लग रहा है व्हाइट और ब्लैक नहीं दिखता था ब्लैक पे व्हाइट ज्यादा दिख रहा है और yes नो no? की लाइन है पर मैंने चेंज कर दिया दिख रहा ना ज्यादा दिख रहा है बता दो यस मैम क्लियर लाउड एंड क्लियर ब्राइट ऑडियो फाइन वीडियो फाइन पिन ड्रॉप साइलेंस चलिए डन यू कैरी ऑट है मतलब इनके पास सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है ये सारे यू कैरी है मतलब इनके पास सेल है सेल के अंदर न्यूक्लियस है और प्लांटी है तो मतलब इट इज क्लोरोफिल कंटेनिंग एमसीक्यू इट क्लोरोफिल कंटेनिंग डन इसके पास क्लोरोफिल है इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं वी कॉल देम प्लांस कई ऑर्गेनिज्म पार्शियली हेटेरोट्रोफिक है जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट्स, जिसमें आते हैं निपेंथिस ऑर्टिक्वेरिया ड्यू ड्रॉप अब इंसेक्टिवरस क्यों है क्योंकि ये प्लांट उगते हैं दल दल में जिसको मार्शी एरिया हैं इंसेक्टिवरस प्लांट इसको मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाती हूं जितने भी आपके इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं भले ही वो पिचर प्लांट हो आपने देखा है पिचर प्लांट कैसा दिखता है ऐसा ऐसा दिखता है पिचर प्लांट इंसेक्ट आके बैठता है ये ढक्कन बंद हो जाता है ये क्या है ये एक इंसेक्ट आके बैठता है यहां बेचारा इंसेक्ट और ये फ्लैप बंद हो जाता है फंस फा, जाता है वो उसको क्या कहा जाता है दिस इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट येस और नो वानी मैम के बच्चों दिस इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट येस और नो येस मैम येस मैम ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है तार और मेहनत करना सीखो बेटा कल सुबह क्लास है साढ़े आठ बजे रोज होती है क्लास खत्म होती है आप हो, पंद्रह साल छोटे हो।, हो वानी मैम से उम्र में है ना तुम्हारी तो मैं पिटाई भी कर सकती हूँ कर सकती हूं कि नहीं कर सकती वानी मैम क्यों नहीं कर सकती हमारी पिटाई तो पक्का कर सकती हो यो एवरी साढ़े दस बजे तक ये स्टूडियो बंद होता है फिर मेरी कोई मीटिंग आती है कोई काम आता है कंटेंट बनाना होता है ग्यारह साढ़े ग्यारह मेरी रोज लाइव है अभी दिखाती बजे मुझे स्टूडियो दोबारा लगाना पड़ता है वहाँ मैम अगर रात के साढ़े दस बजे तक काम कर सकती है ग्यारह बजे तक काम कर सकती है सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर साढ़े दस बजे तक छह दिन हफ्ते के तुम मेरे से ज्यादा काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो पर मैं तो एक मेरा तो एक एम है मेरा एम है इस साल ऑटो रिक्शा ड्राइवर को ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बच्चों को फ्री में पढ़ा के एम्स में थ्री सिक्सटी और थ्री सिक्सटी के साथ भेजना है मैं तो मेहनत करूंगी यार उसके लिए जी जान से मेहनत करूंगी यो आ जाओ तो ये प्लांट प्लांट है अब प्लांटिवरोक्टिवरो ग्रो करते हैं पता है आपको प्लांट ग्रो करते हैं मार्शी एरियाज है? में कहा ग्रो करते हैं मार्शी दलदल में ग्रो करते हैं मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं दलदल में मार्शी एरियाज इन मार्शी एरियाज में क्या होता है दलदल नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन मिट्टी में नहीं होता आपको पता है नाइट्रोजन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है पता है आपको नाइट्रोजन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है ज्यादा चाहिए होता है प्लांट को कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट? बताइए वानी मैम को एक है एन एक है पी और एक है के तीन माइक्रोन्यूट्रियट है एनपी के तीन होते हैं माइक्रोन्यूट्रियट एनपी के नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम सब बच्चों को पता है कि वानी मैम तीन माइक्रोन्यूट्रिय होते हैं एनपी के येस और नो यस लिखिए ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि कितने माइक्रोन्यूट्रिय होते हैं जी तीन नाइट्रोजन फॉसोरस पोटेशियम तीन माइक्रोन्यूट्रिय होते हैं डन ओके okay, मैम डन अब क्योंकि ये मिट्टी में उग रहा है जहां पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जब ये इंसेक्ट जाएगा ये ग्रीन कलर का प्लांट होता है ग्रीन तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है ग्रीन कलर का होता है फोटोसिंथेसिस कर लेगा प्लांट इज ग्रीन ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी भी ले लेगा पर उसके पास बेटा नाइट्रोजन नहीं है तो इस इंसेक्ट को मारेगा ट्रैप करेगा इंसेक्ट को इंसेक्ट को ट्रैप करेगा इंजाइम उस पे डालेगा. पर डालेगा इंसेक्ट के ऊपर क्या डालेगा इंजाइम उसको डाइजेस्ट करेगा जैसे आप प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हो इंसेक्ट के ऊपर इंजाइम्स डालेगा इंसेक्ट को क्या करेगा डाइजेस्ट और फिर डाइजेस्ट करके इंसेक्ट से क्या निकाल लेगा नाइट्रोजन क्योंकि नाइट्रोजन तो हर एक सेल के अंदर जो बेस होते हैं एटीजीसी उनके पास होता है उनसे नाइट्रोजन ले लेगा इज दैट क्लियर इब्राहिम बिल्कुल लाइव है मेरे बच्चे आपको क्या लग रहा है मैं ऐसे कर रही हूं लाइव लेके मेरी मेरी आत्मा घूम रही है यहां ये दान देव So पागल हो गई मेरे इंस्टाग्राम पर पांच करोड़ मैसेज आ गए थे वानी मैम लो नोट वानी मैम लो नोट मैंने कहा बेटा मैंने दे रही मैं पढ़ चुकी हूं बेटा तुम अपनी स्टोरी वोरी में शेयर कर लो मुझे टैग कर लो डन क्लियर एनी डाउट इन दिस मार्शी एरियाज में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है वहां पर माइक्रोन्यूट्रिय नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए होता है इसीलिए वो इनसेक को ट्रैप करता है डाल के इनसेक को डाइजेस्ट करता है डाइजेस्ट करके नाइट्रोजन ले लेता है वो ग्रीन कलर का होता है 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 फोटोसिंथेसिस खुद करता है। ये जो एनसीआर में एक लाइन में लिखा हुआ है सिर्फ कैन आई डिलीट इट फोटो खींच लिया अब देखो जो मैंने तुम्हें नोट मेकिंग ऐप का वीडियो कल डालूंगी ना तुम फोटो अपलोड कर सकते हो उसमें तो जो भी मैं लिख रही हूँ फोटो खींचो अपलोड करो माशाल्लाह बल्ले बल्ले डन चलो जी डिलीट करो डिलीट क्लियर ऑल क्लियर चलो आ जाओ तो ये दिख रहा है वीनस फ्लाई ट्रैप बैड ब्लैडरवॉर्ट सनड्यूस नेपेंथिस ये सब क्या है ब्लैडरवॉर्ट वीनस फ्लाई ट्रैप ये सब क्या है इंसेक्टिवोरस प्लांट है एमसीक्यू ठीक है कोई डाउट इज दैट क्लियर अब एक और प्लांट यहां लिखा है कुस्कुटा मान लो ये हरे रंग का प्लांट है ये प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है क्या आपको पता है इसके ऊपर एक येलो कलर की पैरासाइट लगा होगा ये ब्लू कलर है क्योंकि येलो इसमें है ही नहीं बोर्ड में इसके ऊपर एक येलो कलर का पैरासाइट लगा होगा आपको पता है कई बार देखा आपने इसको अमरवेल कहते हैं अमरवेल ये स्टेम के ऊपर पैरासाइट लगा है इट इज अ स्टेम पैरासाइट किसके ऊपर है मानी मैम के नोट्स कॉपी करो सारे क्वेश्चन है ये मत सोचो तुम्हें फ्री में इंफॉर्मेशन ज्ञान दे रही हूं मैं ये एक स्टेम पैरासाइट और टोटल स्टेम पैरासाइट है क्योंकि येलो कलर का फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता ये एक तरह से टोटल स्टेम पैरासाइट है इसे कहा जाता है कुछ क्या कहा जाता है बच्चों कुटा एक पैरासाइट है पेन गिरना मेरी क्लास में रोज का काम है इट इज अ पैरासाइट इज दैट क्लियर

चलिए अब आपको थोड़ा एमसीक्यूज करवाती हूँ आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर वन जो आपकी बुक में है मतलब जो आपको कराना है वो भी आएगा प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट दो डिस्टिंक्ट लाइफ साइकिल्स होती है ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है जो पौधा आप देख पा रहे हो ये भी मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी जब मैं आपको किंगडम प्लांटी कराऊंगी राइट तो जो डिप्लॉइड प्लांट है जो आपको नजर आ रहा है आपको मनी प्लांट नजर आ रहा है आपको पाम नजर आ रहा है आपको एक पौधा नजर आ रहा है तो जो पौधा आपको नजर आ रहा है वो कहलाता है डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जेनरेशन समझ में आया जो पौधा आपको नजर आ रहा है वो है एक डिप्लोइड स्पोरोफाइटिक जेनरेशन ठीक है और जो गैमिटोफाइटिक होता है जो गैमिट्स होते हैं जैसे पोलन जैसे एग वो एक हैप्लोइड गैमिटोफाइटिक जेनरेशन होती है द लेंस ऑफ द हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेज कि कोई फ्री लिविंग है ये डिपेंड करता है कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट है जैसे अगर मैं एल्गी की बात करूं ये मैं आपको पूरा चैप्टर नंबर एट में कराऊंगी इतने डिटेल में कराऊंगी आपको फील आ जाएगी राइट अगर मैं एल्गी की बात करूं इसके अंदर गैमिटोफाइट बड़ा होता है स्पोरोफाइट छोटा होता है अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करूं इसके अंदर भी गैमिटोफाइट बड़ा होता है स्पोरोफाइट छोटा डोमिनेंट ज्यादा दिखाई कौन देता है ज़्यादा डोमिनेंट कौन है गैमिटोफाइट गैमिटोफाइट क्या होता है हाप्लॉएड. अगर मैं टेरेडोफाइट की बात करूँ इसके अंदर गैमिटोफाइट धीरे धीरे कम होने लगा है स्पोरोफाइट धीरे धीरे बढ़ने लगा है अगर मैं जिम्नोस्पर्म्स की बात करूँ और एंजियोस्पर्म्स की बात करूँ गैमिटोफाइट बहुत छोटा है स्पोरोफाइट बहुत बड़ा है तो जैसे जैसे प्लांट ने एवोल्यूशन किया बॉटनी में यही घूम जाते हैं बच्चे जैसे जैसे प्लांट ने एवोल्यूशन किया जैसे जैसे प्लांट ने एवोल्यूशन किया गैमिटोफाइट कम होता गया स्पोरोफाइट बढ़ता गया एवोल्यूशन के साथ जैसे जैसे प्लांट ने एवोल्यूशन किया गैमिटोफाइट छोटा होता रहा स्पोरोफाइट बढ़ता चला गया इज दैट क्लियर चुनु मुन्नू इज दैट क्लियर मेरे बच्चों। डन ये और कैसे अल्टरनेट करते हैं कभी गैमिटोफाइट कभी स्पोरोफाइट कभी गैमिटोफाइट कभी स्पोरोफाइट इसे कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर ज्यादा हैप्लॉइड स्टेज में रहेंगे तो हम उनको नाम दे देंगे हैप्लोन्टिक। अगर ज्यादा डिप्लॉइड स्टेज में रहेंगे हम उनको नाम देंगे डिप्लोन्टिक। अगर दोनों में बराबर रहेंगे हम उनको नाम दे देंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक ये सब कुछ मैं आपको चैप्टर एट में पढ़ाऊंगी प्लीज कोई क्लास तब मिस मत कीजिएगा नुकसान आपका ही होगा Which of the following is not an insectivorous plant? Not. Kuskuta, नस फ्लाई ट्रैप ब्लैड अट ऑल ऑफ देम आर सेक्टिवोर्स प्लांट चलिए बताइए वानी मैम को चलिए ये रहे क्वेश्चन आपके नजरों के सामने बताइए जिंदगी कुछ नहीं थे बताइए वेल डन वेरी वेल डन वेरी वेल डन Good, 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 good. Very well done. Yes. Very well done. Good. Cuscuta is a parasite. Cuscuta is a parasite, na like oh. Yes. Very well done.

वैसे नालायको दोनों आप हैं दोनों डिप्लॉयड हैं स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट जो दिखाई देता है जो मेन प्लांट बॉडी है क्या होगा डिप्लॉयड और गैमिटोफाइट जो पोलन है जो एक है हाप्लोइड वेल डन वेरी वेल डन चले किंगडम एनिमेलिया पे इसके बाद मैंने आपको लाइकन्स भी कराने हैं वायरॉइड्स भी कराने हैं यस yes? द किंगडम इज करेक्टराइज बा अगेन हेट्रोट्रोफिक है अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते ऑटोट्रोफिक तो बिल्कुल नहीं है दूसरों को खा जाते हैं यसविट इज हेट्रीरो इनके सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है यू खेरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये मल्टी सेलुलर होते हैं राइट एवरीबडी खुद खाना नहीं बना सकते यू खेर इनके सेल में सेल वॉल नहीं होती एनिमल्स के सेल में कभी भी सेल वॉल नहीं होती प्लांट के सेल cell में सेलुलोज की सेल वॉल थी फंगस के सेल में काइटिन की सेल वॉल थी इनके पास सेल वॉल नहीं होती दे लैक द वॉल दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स को खाते हैं राइट दे डाइजेस्ट फूड इंटरनल बॉडी में कैविटी होगा ईसोफेगस होगा स्टमक होगा इंटेस्टाइन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा लार्ज इंटेस्टाइन होगा राइट right? जो एक्स्ट्रा खाना है इनके पास उनको ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में स्टोर करते हैं खाना इनगल्फ करते हैं उसको होलोजोइक इंजेक्शन कहते हैं पूरे खाने को इनगल्फ करते हैं राइट रोटी चबा चबा के खाएंगे दाल बाटी खाएंगे चूरमा खाएंगे लड्डू खाएंगे पेड़े खाएंगे दाल पापड़ी खाएंगे डोसा खाएंगे इडली खाएंगे राइट दे आर गोइंग टू इनगल्फ द फूड हमेशा इनकी लाइफ में एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है पहले धीरे ग्रो करते हैं फिर तेज फिर स्टेशनरी फिर ये डिक्लाइन कर जाते हैं इनकी लाइफ डेथ हो जाती है एक पर्टिकुलर शेप और साइज होता है जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स बड़े होते हैं, बहुत सेंसरी होते हैं, राइट? हमें तो घर बैठ के ही पता चल पूरी सोसाइटी की खबर रखते हैं लोग उनकी बेटी ने ये किया उनके बेटे ने ये किया उनके पति ने ऐसा किया उनकी बीवी ने ऐसा किया सेंसरी देखो कहा एंटीने लगे हैं जस्ट किडेंगा बट सेंसरी इनके न्यूरो मोटर जाते हैं सारे के सारे मूव करते करते हैं locomotion करते हैं लोकोमोशन आपको पता है किंगडम भी एक लंबा चौड़ा चैप्टर है हम उसको पूरे डिटेल में करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कॉप्युलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल्स विच इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो राइट चैप्टर फोर में जब मैं आऊंगी मैं आपको ये सारा चैप्टर डिटेल में करवाऊंगी इसमें आपको सिर्फ इतना ही बताना था मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व इंजेक्शन अगर हमने पूरे का पूरा खाना इनगल्फ किया है उसे कहते हैं उसे कहते कहते है कहते हैं 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 या बताइए मेरे पास इंसेक्टिवरस प्लांट नहीं है करण अगर आपको मुझे गिफ्ट करना है तो आप कर सकते हो एसर ब्रोटो बेटा मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी में बहुत प्यार है बेटा थैंक यू बेटा पर आप किसी और को अपना प्यार दे सकते हो यस एज अ टीचर आप थोड़ा बहुत प्यार दे सकते हो बट आई एम वेरी कंटेंट विद लव हमारे पास बहुत प्यार है हमें किसी और के प्यार का जरूरत नहीं है यस ओवरफ्लोइंग विद लव है मेरी लाइफ प्लीज़ नो आई लव यू मैम थैंक यू okay everyone it's called holozoic right i just don't feel the lack of love i'm very loved thank you so much keep your love for somebody else sweetheart आगे बढ़ते हैं वायरसिस वायरोइड्स प्रियंस एंड लाइकेन्स ये क्या होते हैं ठीक है सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है दो दो या तीन स्लाइड्स मैं बनाकर लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज करवाऊंगी एंड देन वी विल कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर कूल डन अच्छा एक बात आज का एक क्वेश्चन तो पेरेंट टीचर मीटिंग का है पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जो आज की क्लास में मुझे आप लोगों से पूछना है जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है जल्दी से बताओ एंड गाइस प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग ये वाला प्यार चाहिए मुझे डन लाइक शेयर सब्सक्राइब का प्यार कर सकते हैं उन बच्चों के पास जिनके पास पैसा नहीं है उन तक हमारे वीडियो लेक्चर्स पहुंचाने का प्यार कर सकते हो डन ये वाला प्यार मुझे बहुत चाहिए इसको भेजो अब मेरी बात सुनो Uh, देखो एक तो तुम्हें मुझे पेरेंट टीचर मीटिंग का बताना है दूसरा ये बताना है क्या तुम तो लोगों के कुछ मैराथन्स शुरू करूँ मैं तीन तीन चार चार पाँच पाँच घंटे के कुछ क्विजेस कुछ मैराथन्स कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना हाँ इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विट्टेकर विट ने किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एल्गी ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म राइट इसके अलावा ये तो प्लांट्स हैं विट्टेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है

एंड फंगस बताऊंगी मैं इसके बारे में और डिटेल में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कई ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सेल की तरह नहीं होते जैसे वायरस वायरस के पास एक कवर होता है बाहर क्या इस कवर को प्रोटीन कोट कहते हैं? और इस कवर के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है दिखाई दे रहा है एक कवर एक जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल को मैं रेड कलर का बना देता जेनेटिक मटेरियल को मैं रेड कलर का बना देती हूँ जेनेटिक मटेरियल को मैं रेड कलर का बना देती हूं इसके अलावाइड वायरोइड में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा बाहर का ये प्रोटीन कोट नहीं है सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी टेंशन मत लीजिए फिर होगा प्रियन पी फॉर प्रियोन पी फॉर प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन होगा बाहर का जेनेटिक मटेरियल नहीं है क्या आपको दिख गया यहां दोनों चीजें हैं रेड एंड ब्लू जेनेटिक मटेरियल भी है और प्रोटीन भी है प्रोटीन भी है और जेनेटिक मटेरियल भी है जीन्स भी हैं। वायरॉइड में क्या है बताओ वाली मैम को वायरॉइड में क्या है वायरॉइड में सिर्फ जीन्स है प्रोटीन नहीं है और प्रियोन में सिर्फ प्रोटीन है, जीन्स नहीं है। ये भी होते हैं इसीलिए इनको पढ़ना भी जरूरी है हम सबको फ्लू हो क्या है दुनिया भर ने कोविड नाइनटीन देखा है तो हमें पता है ये कि कितने डेंजरस होते हैं इसलिए हमें पता है कि इनकी स्टडी हमारे लिए बहुत जरूरी है हमें इनके बारे में पढ़ना चाहिए वायरस को क्लासिफिकेशन में नहीं डाला गया क्योंकि ये लिविंग नहीं है इनको लाइफ में जीने के लिए किसी के अंदर रहना पड़ता है आपने देखा है अगर आप मेरी तरह पॉटर हेड और आपने हैरी पॉटर देखी होगी तो आपको पता होगा कि वॉल्डर ने अपने सोल के टुकड़े कर दिए और वो टुकड़े किसी और के सोल के साथ बांध दिए यस आपको पता है तो ये वायरस भी ना वैसे सोल के टुकड़े की तरह होते हैं बाहर है तो नॉन लिविंग है किसी के अंदर चले जाएंगे तो लिविंग बन जाएंगे वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन क्योंकि ये क्लासिफिकेशन में जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये बाहर दे आर नॉट लिविंग अपने आप जिंदा नहीं रह सकते ये जब किसी के अंदर सेल के जाएंगे तभी जिंदा रहेंगे ये दूसरे सेल के अंदर जाकर उसको एक्सप्लॉयट करते हैं जिस सेल के अंदर चले गए उस सेल को मार देते हैं उस सेल के उस सेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को उस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को उस सेल के लाइसोजोम के उस सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उस सेल को यूज करते हैं और तब कुछ काम कर पाते हैं दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसलिए इनको नॉन लिविंग कहा जाता है राइट दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते इनर्ट होते किसी कांच की तरह इनर्ट है किसी चीज से रिएक्ट नहीं करेंगे आउटसाइड द लिविंग बॉडी दे आर इनर्ट किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करेंगे समझ आया बच्चों समझ आया वायरस वायरोइड प्रियन एंड लाइकेन जब किसी के एक बार किसी के सेल में चले गए चल पता क्या करेंगे बताती हूं एक बार इसके सेकंड वाला पैराग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है सेकेंड वाला डन एक सेकेंड एक सेकेंड जब ये किसी की बॉडी में चले गए मान लो ये वायरस है ठीक है ये बैक्टीरिया मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है और ये वायरस ये बाहर था मान लो ये आकर ऐसे अटैच हो जाएगा इसमें मान लो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर डाल देगा खुद खाली बाहर रहेगा खाली खाली हो गया देखो। जेनेटिक मटेरियल को डाल दिया इसने, मान लेते। अब इसके बाद इस सेल का न्यूक्लियस होगा इस सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा इस सेल में राइबोसोम होंगे लाइसोसोम होंगे डिक्टियोसोम होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा कुछ तो होगा ये आपको पता है ये सबको मार देगा सबको और इस सेल का नया राजा बन जाएगा बोलेगा मैं हूं राजा अब मेरी सुनो, सारी प्रजा को मेरी सुननी पड़ेगी सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेगा माइटोकॉन्ड्रिया तो मेरी सुनेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरी सुनेगा अरे सुन ले लाइसोसोम मैं हूं नया बॉस न्यूक्लियस सुन ले मैं हूं सबको अपने कंट्रोल में ले, ले लेगा और फिर इस बैक्टीरिया को ये वायरस के कंट्रोल में आ जाएगा अंडर द वायरस कंट्रोल और इस बैक्टीरिया को फोर्स करेगा अपना काम करने के लिए पता है ये बैक्टीरिया फिर कैसे बन जाएगा ये जो बैक्टीरिया है ये एक फैक्ट्री बन जाएगा और वो फैक्ट्री क्या करेगी जब एक बार वायरस का डीएनए एंटर हो गया एंटर कौन कर रहा है वायरस का डीएनए वो फैक्ट्री फिर वायरस को प्रोड्यूस करेगी क्योंकि वायरस ने अपना कंट्रोल लगा दिया है देखो नया प्रोटीन बनेगा अंदर रेटिकुलम बोलेगा भाई मेरा प्रोटीन बना और किसी का काम नहीं करना मेरा काम करना बस नया डीएनए बनाएगा अपना नई नई कॉपी बनाएगा देखो प्रोटीन की फैक्ट्री बन जाएगा और ये फटेगा और ये सब रिलीज हो जाएंगे दिस इज वॉट हैपन्स समझ आया almira did you understand everybody make one heart if you understood write a yo ma'am right now and everybody please make sure that you are liking sharing subscribing Samajaya, this is how the virus infects a bacteria this is exactly how the virus infects the bacteria Samajaya, it will kill the host Mardega dega bacteria ko right बाहर नॉन लिविंग है वॉट विल यू कॉल इट लिविंग और नॉन लिविंग इट इज नॉन लिविंग बाहर नॉन लिविंग है जब एक बार एंटर कर जाएगा बैक्टीरिया के तो लिविंग बन जाएगा वायरस का मतलब होता है जहर विनम वायरस का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूड क्योंकि ये डिजीज कॉज करता है लिखो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब होता है विनम जहर पॉइजनस फ्लूड एक साइंटिस्ट था उन साइंटिस्ट का नाम था डिमिट्री इवानी 1892 में इन्होंने बोला कि यार टोबैको के अंदर एक डिजीज हो रही है मोजाइक डिजीज टोबैको के पत्तों खराब हो रहे हैं टोबैको से टोबैको नहीं निकल रहा है एक डिजीज हो रही है इन्होंने बोला कि यार ये जो डिजीज कॉज कर रहा है ना टोबैको में बहुत छोटा है बहुत छोटा बैक्टीरिया से भी छोटा है इट इज इवन स्मॉलर देन द बैक्टीरिया कुछ बहुत नई चीज है क्योंकि अगर ऐसा फिल्टर लगाया था जिसमें बैक्टीरिया रुक जाते हैं एक फिल्टर लगाया था बैक्टीरिया पार नहीं पर वो पार करके निकल गई मतलब भी कहते है। ने कहा, कुछ तो है जो के अंदर मोजाइक डिजीज दिखा है मैं आपको अगली स्लाइड में टोबैको की मोजाइक डिजीज की फोटो दिखाने वाली हूँ और ये बैक्टीरिया से भी छोटा है क्योंकि बैक्टीरिया के फिल्टर को पार कर रहा है फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एमडब्ल्यू बेजरनिक इन्होंने कहा कि अगर जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है टोबैको के अगर इन्फेक्टेड प्लांट्स ले लोगे ना उन इन्फेक्टेड प्लांट्स का अगर रस निकालोगे रस और वो इंफेक्टेड प्लांट्स जो टोबैको के प्लांट्स जिनको इंफेक्शन हम, हमें जब किसी को कोविड हो गया अगर हम छींकते हैं तो यार दूसरे आदमी को भी कोविड हो जाता है तो आप टोबैको के प्लांट का अगर एक्सट्रैक्ट निकालोगे और उनको हेल्दी प्लांट्स के ऊपर लगाओगे हेल्दी प्लांट्स मर जाएंगे मर जाएंगे हेल्दी प्लांट्स और इस पैथोजन का नाम दे दिया वायरस यार ये वायरस है ये अगर इसमें किसी प्लांट से निकालती हो ना जिसको बीमारी है उसको मसल के अगर मैं हेल्दी प्लांट्स के ऊपर लगा रही हूँ हेल्दी प्लांट भी मर रहे हैं और यार ये कंटेजियस है स्प्रेड करता है कंटे इसलिए तो मास्क लगाते हैं हम कंटेजियस है फैल जाएगा यार ये जो ये अगर ये तुम सड़े हुए प्लांट्स का निकाल रहे हो बेचारा हेल्दी प्लांट मर रहा है इसका नाम हो जाएगा कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम कंटेजियस है ये फैल रहा है किसने नाम दिया कंटेजियस वाइवम फ्लूडम ऐसा फ्लूड है मतलब लिविंग लिविंग वाइवो इसमें ऐसा कुछ समान है जो फैल रहा है बेजरनिक ने बोला फिर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था डब्ल्यू एम स्टैनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डब्ल्यूएम स्टैनली ने बोला दैट वायरस के हम क्रिस्टल्स बना सकते हैं इसको सेपरेट कर सकते हैं क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और ये ज्यादातर प्रोटीन के बने हुए होते हैं ये हमारी बॉडी के बाहर इनर्ट है रिएक्ट नहीं करते ये हैं ये बॉडी के बाहर नहीं रह सकते किसी के अंदर अटैक करके ही अपनी कॉपी बनाएंगे ऑब्लिगेट जरूरी अत्यंत आवश्यक जरूरी अगर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं है मतलब ये किसी और के किसी के बिना नहीं रह सकते इनको किसी की बॉडी के अंदर जाएंगे तो ही डिजीज कॉज कर पाएंगे ये हवा में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते ये तीनों साइंटिस्ट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू और ये रही फोटो टोबैको मोजाइक वायरस की कैसे गोल गोल घूम रहा है ये इसका प्रोटीन कवर है में कैप्सिड का मतलब होता है प्रोटीन का कवर इस पूरे को क्या कहते हैं कैप्सिड प्रोटीन और इस एक यूनिट एक एक भी तो है ये किसे कहते हैं कैप डाउट पैथोजन इज अ डिजीज कॉजिंग एजेंट जो भी चीज बीमारी कॉज करती है उसे पैथोजन कहते हैं जैसे बीमारी की स्टडी को पैथोलॉजी कहते हैं जैसे बीमारी की स्टडी को पैथोलॉजी कहते हैं द वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग क्रिस्टल्स किससे निकाला गया पहली बार बैक्टीरियोफेज से थोबैको मजाइक वायरस से फ्लू वायरस से कि पॉक्स से चलिए बताइए सबसे पहली बार कहां से निकाला गया बताइए वेरी नाइस नो डाउट पॉक्स से निकाला गया फ्लू से निकाला गया टीएमवी से निकाला गया बैक्टीरियोफेज से निकाला गया टीएम वी सी 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 हंड्रेड परसेंट इसलिए आपको फोटो बना के दिखाई यस yes. वायरस वायरोन एंड लाइकन यस yes. अब वायरस के पास दो चीजें हैं मैंने आपको दो तीन बार बताई हैं कौन सी दो चीजें वायरस के पास बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के वायरस के पास कौन सी दो चीजें बताओ कमेंट सेक्शन पे लिख के लिखो बताओ कि मैम ये दो चीजें वायरस के पास बताओ बताओ वानी मैम को कौन सी प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल एक तो प्रोटीन है एक जेनेटिक मटेरियल ये कवर किसका है प्रोटीन का ये कवर किसका है मैम प्रोटीन और ये अंदर क्या है ये क्या है जेनेटिक मटेरियल है मैम ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है डीएनए भी हो सकता है आरएनए का वायरस होता है एड्स का वायरस कोविड नाइनटीन का वायरस आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते बोथ नहीं होते दोनों नहीं हो सकते Done? एक तो बाहर प्रोटीन है जिसको न्यूक्लियो प्रोटीन कह देते हैं और एक जेनेटिक मटेरियल है एक न्यूक्लियो प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल है यस yes, एवरीवन, जनरली जितने वायरस होते हैं जो इंफेक्शन कॉज करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड होता है राइट ज्यादातर प्लांट्स के और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है पर ज्यादातर इंफेक्शन आर वायरस कॉज करते हैं बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियो Bacterio का मतलब होता है बैक्टीरिया फेज का मतलब खाना तो बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है बैक्टीरियो फेज बैक्टीरिया को खाना तो बैक्टीरियो फेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है आई रिपीट बैक्टीरियो फेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है डन दैट क्लियर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ये यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होते हैं प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोला जाता है बोला मैंने प्रोटीन कोट का नाम कैप्सिड अभी दिखाया वो छोटी छोटी यूनिट्स का नाम क्या होता है ये कैप्सिड है पूरा इनमें से एक का नाम क्या है इसका नाम क्या है एक यूनिट का नाम क्या है कैप्सोमियर हेलिकल लगा हुआ है पॉलीहेड्रल शेप में लगा हुआ है यस yes, अलग-अलग शेप्स में लगा होता है ज्योमेट्रिक शेप में लगा है वायरसेस ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं मम्स जिसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है लिखो मम्स पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है लिखो स्मॉल पॉक्स वैरिसेला ज़ूस्टर वायरस वीजेडवी लिखो वैरिसेला ज़ोस्टर वायरस वीजेडवी हर्पीस ह्यूमन हर्पीस वायरस जेनिटाइल डिजीज होती है राइट right? इन्फ्लुंजा कॉमन कोल्ड एज एक्वाइट इम्यूरोफिशंसी डिजीज राइट प्लांट्स में पत्तों के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनने लग जाती हैं पत्तों की जो वेन्स होती हैं जाइलम फ्लोएम वाली वो पीली पड़ जाती हैं पत्ता पीला पड़ जाता है पत्ता मुरझा जाता है कर्ल होने लग जाता है पौधा छोटा रह जाता है डोर्फ्स स्टंटेड ग्रो नहीं करता ये सारी वायरल डिजीज है मम्प्स वायरल डिजीज है स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज है

जिसके पास सिर्फ डीएनए प्रियॉन क्या होगा वानी मैम ने बताया प्रियॉन वानी मैम ने बताया क्या होगा प्रियॉन जिसके पास सिर्फ प्रोटीन है कल की क्लास में बताया था फोटो बना के प्लांट दैट इज एल्गी और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होगा लाइक वायरस दैट अटैक बैक्टीरिया ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाएगा ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाना बैक्टीरियो को खाना बैक्टीरियो वायरो बताइए बैक्टीरियोफेज पक्का सी लग रहा है परफेक्ट बताइए अगला सवाल वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोट एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया न्यूक्लिक एसिड एंड सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लिक एसिड वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बताइए जल्दी प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड सेल मेम्ब्रेन नहीं है सेल वॉल नहीं है माइटोकॉन्ड्रेन नहीं है सिर्फ दो चीजों का बना होता है द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस क्या कहलाता है कैप्सोमियर पेप्लोमियर कैप्सिड वायरियन बताइए प्रोटीन वायरस कुछ नहीं कैप्सम तो यूनिट को बोलते हैं यस वायरोइड्स और फ्रियॉन्स के बारे में भी पढ़ा देती हूँ इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डन जल्दी से पढ़ा देती हूँ इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर था 1971 साइंटिस्ट का नाम था टीओ डाइनर इन्होंने एक नया इन्फेक्शियस एजेंट ढूंढा जो कि बहुत छोटा था वायरोइड है सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही तो है तो छोटा तो होगा सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है और ये डिजीज कॉज करता था वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज सिर्फ आर है बाहर प्रोटीन कोट नहीं है फ्री आर एन एट प्रोटीन कोट पोटैटो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट टीओ डाइनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्री आर एन ए वेरी इंपॉर्टेंट यस प्रोटीन कोट है सिर्फ प्रोटीन कोट है एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन पीपी प्रियोन सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है वायरोइड प्रियोन सिर्फ प्रोटीन है प्रियोन जेनेटिक मटेरियल है इट वाज फाउंड टू बी आरएनए प्रोटीन कोट नहीं है प्रियन आरएनए बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट का था इसलिए बहुत छोटा डिस्कवर हुआ प्रियोन। एक ऐसा एजेंट ढूंढ निकाला जो सिर्फ एब्नॉर्मल प्रोटीन था उसके बाहर उसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं था सिर्फ प्रोटीन था वायरस के जैसा था साइज में क्योंकि बाहर सिर्फ प्रोटीन कोट था अंदर कुछ नहीं था प्रियॉन से डिजीज़ होती है बोवाइन फॉर्म एन्सेफिलोपैथी बोवाइन मतलब का दिमाग की स्वेलिंग हो जाती है बोवाइन फॉर्म एन्सेफिलोपैथी ये एक कैटल की डिजीज है ह्यूमंस में भी स्पॉन्जीफॉम ह्यूमंस में भी ये डिजीज़ कॉज करती है ब्रेन की जिसको सी आर जेकब डिजीज़ कहते हैं सी जे डी मैड काउ डिजीज भी से कहते हैं मोबाइल इनसे करती है उसे कहा जाता है, CR, Jacob, disease. बहुत important है। जो last के दो तीन पैराग्राफ्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज मैं आपको दो तीन बार समझा चुकी हूँ एक लास्ट टाइम अभी समझाती हूँ ऑलरेडी इस स्लाइड को मैं आपको दो या तीन बार समझा चुकी हूँ फिर भी लास्ट में एक बार समझाती हूँ देखो एनसीईआरटी कहने के लिए दो पैराग्राफ है आप देख रहे हो कितना समझाना पड़ता है एनसीईआरटी में तो ये रही एल्गी एल्गी का जो पार्ट होता है इसको कहते हैं फाइको मतलब फाइको मतलब प्लांट बायो मतलब लाइफ इसका नाम होता है फाइको बायोड एल्गी एल्गी के ऊपर लगी होती है फंगस जो दूर दूर तक फैलती है ये फैल रही है तो फंगस वाला पार्ट जो दूर दूर तक फैल रहा है इसे कहते हैं माइको क्या कहते हैं जी बता दीजिए वानी मैम को माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंगस तो भैया ये जो फंगस है यहां से शुरू करते हैं फंगस फंगस करेगी स्प्रेड इसका तो काम है बनाना, माइसिलियम बनाना स्प्रेड करना स्प्रेड करके ये करती है वाटर प्लस मिनरल्स को एब्जॉर्ब चार करोड़ बार पहले बता चुकी हूं ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है अब जब सॉइल में स्प्रेड करेगी वॉटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी वॉटर मिनरल एलगी को देगी इस वॉटर और मिनरल्स को एल्गी यूज करेगा एल्गी क्या करेगा यूज करेगा वॉटर प्लस मिनरल्स को यूज करके करेगा फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करके बनाएगा फूड और फूड दे देगा फंगस को फंगस वो फूड मिल जाएगा फंगस को फंगस कहेगी बल्ले बल्ले फंगस के अरे बल्ले 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 फंगस और स्प्रेड होगी और वाटर प्लस मिनरल एब्जॉर्ब करेगी वो और एलगी को देगा और वाटर प्लस मिनरल एब्जॉर्ब करके और फोटोसिंथेसिस करेगा और खाना देगा सो इट इज अ सिंबायोटिक रिलेशनशिप आ गया समझ kind of में व्हिच काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इट इज एक सिंबायोटिक रिलेशनशिप है स्नैपशॉट खींचो मेरे साथ Instagram पे शेयर कर देना स्टोरी में टैग कर देना डन ंगस्टर्स यो बाज हंड्रेड एंड टेन परसेंट क्लियर डन सो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दोनों के लिए हेल्पफुल है एक तरफ एल्गी एक तरफ फंगस राइट एलगल कॉम्पोनेंट का नाम होता है फाइकोबायोन्ट, फंगस का नाम होता है माइकोबायोन्ट, माइकोबायट इज दैट क्लियर एल्गी एटोट्रोफिक है फोटोसिंथेसिस करती है फंगस हेटेट्रोफिक है एल्गी बनाती है फूड शेल्टर देती है फंगस को फंगस को बोलती है आजा मेरे साथ रहे फंगस एब्सॉर्स करती है, वाटर प्लस को देती है। वाटर प्लस से और फूड बनाकर रिलेशनशिप तो बन गया लाइकन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डाइऑक्साइड बढ़ा जैसे ही हवा में एसोटू आ गया जो वेहीकल की गैस से निकलता है लाइकन की हो जाती है डेथ तो लाइक गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर अगर सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ रहा है किसी सिटी में वहां पर कभी भी सरवाइव नहीं करेगी इसलिए लाइकन एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर होता है कि कहीं हवा में सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं बढ़ रहा वो एसिड रेन वाला काम तो नहीं होने वाला इट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर पॉल्यूशन पॉल्यूशन बढ़ा लाइकन गया यस yes? चलिए देखो कैसे लाइन लाइन से एन के क्वेश्चन आते हैं आरएनए पार्टिकल जिनके बाहर प्रोटीन का कोट नहीं है क्या कहलाते हैं बताओ ऐसे आर एन ए पार्टिकल जिनके बाहर प्रोटीन का कोट नहीं है प्रियोन वायरोइड वायरियोन वायरोसॉइड क्या कहलाएंगे प्रोटीन नहीं है सिर्फ जेनेटिक मटीरियल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रोटीन है पीपी वायरोइड वायरियोन कुछ नहीं होता यहां वायरोइड बोवाइन स्पॉन्जीफॉम का एक और नाम क्या है बच्चों ने बता दिया था कुरू डिजीज मैडकाउट डिजीज मैड डॉग डिजीज शीप्स डिजीज बताइए कूरू मैड काव मैड डॉग शीप इजी बोवाइन क्या होता है बोवाइन इज ऑब्वियसली काउ तो इट हैज टू बी मैड खाओ कैनाइन नहीं है दी एल्गल कॉम्पोनेंट एल्गी प्लांट है प्लांट को क्या बोलेंगे म्यूको फोको माइको फाइको डोंट एल्गीट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट नाउ कम ऑन नीड योर लव एवरीबडी लाइक एवरीबडी शेयर एवरीबडी सब्सक्राइब बताइए माइको इज इज फंगस फाइको प्लांट कॉल्ड एंड वो मुजफ्फरपुर वाला फॉर्म भर दो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जितने बच्चे मुजफ्फरपुर में अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनको जरूर बताओ गोल्डन चांस टू मीट मी ज़रूर आएंगे यस फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए हमारा बैच ज़रूर लीजिएगा बहुत मेहनत करते हैं टीचर्स बहुत पढ़ाते हैं लास्ट ईयर बच्चों को बहुत पढ़ाया है बहुत मेहनत करके पढ़ाए तो अगर किसी को फिज़िक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है आप अपनी चॉइस ऑफ टीचर्स के पास जा सकते हैं वेदांतों में भी आ सकते हैं अब मेरा कोई कोड नहीं रहा बायो तो मैं आपको हंड्रेड परसेंट यही पढ़ा रही हूँ बट हाँ अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है आप जा सकते हो अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है आपके पास प्लान नहीं है आप टेस्ट नहीं दे सकते आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा आ रहे हो जा रहे हो डिस्ट्रैक्शनस हैं यू नो ट्यूशन सेंटर पे पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे आपके सारे डाउट्स सॉल्व होंगे हम आपको अपना बेस्ट कॉन्टेंट की हार्ड कॉपी देंगे सबसे बड़ी बात पंद्रह सौ में डेमो ले सकते हो उससे भी बड़ी बात वेदांत को नहीं पसंद आया टोटल फीस रिफंड ले सकते हो असाइनमेंट्स टेस्ट डिस्कशन 500 से ज़्यादा डेली असाइनमेंट्स हैं 900 से ज़्यादा टीचर्स घंटे टीचर्स पढ़ाएंगे 600 से ज़्यादा आवर्स ऑफ स्टडीज हैं 40 से ज़्यादा टेस्ट हैं मेरी क्लासेस भी हैं मैं तो आपको यहाँ भी पढ़ा रही हूँ ये इंग्लिश बैच है आपको वानी मैम की क्लासेस भी मिलेंगी राइट आक्रोश कोड है यहाँ कोड यूज़ कीजिए फिफ्टीन का ऑफ है ट्वेंटी का ऑफ है आ जाइए यस टेक केयर बैचेस इतने सस्ते से भी शुरू हो रहे टेक केयर बाय सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ये रहा वीकली स्केड्यूल रोज क्लासेस होती हैं रोज मंडे टू सैटरडे मंडे टू सैटरडे मंडे टू सैटरडे टेक केयर डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मैंने दो क्वेश्चन के जवाब पूछे हैं पीटीएम और एक और क्वेश्चन क्या पूछा था क्या पूछा था कोई लिख देना और बता देना बाय